क्या आपने कभी सोचा है कि जेट को लैंड करते समय अरेस्टेड वायर टूट जाए तो क्या होगा? दरअसल जेट को उतारते समय पायलट जेट को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है, और अगर स्टील वायर में ये टेल हुक फंस गया तो जेट का 70% स्पीड कम हो जाता है। बट ये टेल हुक इन स्टील वायर की चार लाइनों में से किसी को नहीं पकड़ पाते, तो जेट फुल पावर में होने का फायदा उठाती है और दोबारा उड़कर लैंडिंग ट्राई करती है। बट ये हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि इस जेट का टेल हुक चौथे वायर में फंसा और वायर टूट गया, जिससे जेट पानी में गिर गया। इसी वजह से जेट की लैंडिंग फर्स्ट या सेकंड वायर पर ही की जाती है।